हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे प्रीवियस एग्जाम में भी आए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, ये सीबीएसई ने 2017 में कंपार्टमेंट एग्जाम में दिया था। जब कंपार्टमेंट एग्जाम में आया था तो मान सकते हैं कंपेरेटिवली ईजी आया होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ जनरली कि कंपार्टमेंट वाले क्वेश्चन ईजी होते हैं थोड़े से, तो बट ये मेरा अजम्पशन है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा ईजी आए। ठीक है, बट जनरली ऐसा होता है। एनीवेज, चलिए तो क्वेश्चन का एक बार गिवन पार्ट रीड कर लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। क्वेश्चन हमें कहता है कैलकुलेट कैश फ्रॉम फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसकी हेल्प से हमें बताना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो क्या है हमारे लिए। ठीक है, हमें दिया हुआ है 2 ईयर का डेटा, इन्वेस्टमेंट इन लैंड दिया हुआ है कि ईयर के बिगिनिंग में 6 लाख था, अब ये 16 लाख हो गया, 16 लाख हो गया है। 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं जो कि बिगिनिंग में थी 4 लाख की, अब आकर क्लोजिंग पर 2,50,000 है। प्लांट एंड मशीनरी हमें दिया हुआ है 2 लाख बिगिनिंग में, क्लोजिंग पर वो 3 लाख की वैल्यू पर है। गुडविल, ये इसका ओपनिंग बैलेंस है 15,000 और क्लोजिंग है 80,000 रुपीज। ठीक है, आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है विद रिस्पेक्ट टू मशीन, मशीन यानी प्लांट एंड मशीनरी के रिस्पेक्टिव में। इट सेज अ मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, जिसकी कॉस्ट थी 40,000 रुपए, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, जिस पर आज तक हम डेप्रिसिएशन कितना लगा चुके हैं 12,000 रुपए, उसे हमने सेल कर दिया फॉर 35,000। ठीक है जी, तो हमने फायदे में बेचा होगा क्योंकि डेप्रिशिएट कर चुकी थी ये चीजों। हाँ, आगे डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000। तो ये कुल मिलाकर आपको एक एडजस्टमेंट दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू प्लांट एंड मशीनरी, बाकी चीजों के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा ताकि हम हिडन इन्फॉर्मेशन को निकाल सके, जो इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है उसे निकाल लें। बाकी चीजें तो ऑन अ फेस ऑफ इट ही दिख रही हैं, सामने ही विजिबल हैं कि उनमें क्या हुआ होगा। तो एक काम कर लेते हैं, बाकी चीजों को एडजस्ट कर लें और प्लांट एंड मशीनरी को बाद में कर लेंगे। तो मैं बाकी चीजों को लिखवा देता हूं, देखिए स्टार्टिंग से देखिए। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन लैंड हमने जो इन्वेस्ट किया हुआ है, ये शुरू में हमारे पास बिगिनिंग में 6 लाख का था, अब ये आज बढ़कर 16 लाख का है। अब कोई आगे ये तो बता नहीं रखा कोई सेल परचेज हुई है इसके रिलेशन में, ठीक है, कोई इंक्रीज वगैरह नहीं बता रखा, एप्रिसिएशन हुआ हो वैल्यू में ये भी नहीं बता रखा। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि वैल्यू हम लैंड हमने और परचेज किया है, 10 लाख रुपीज का लैंड हमने परचेज किया, तो पैसा गया होगा, आउटफ्लो है। तो लैंड खरीदना इन्वेस्टिंग है हमारे लिए, तो ये माइनस करेंगे परचेज ऑफ लैंड। आपने जमीन खरीद ली है 10 लाख रुपए की, तो हमने प्लस कर लिया इसको। उसके बाद हमारे पास 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि ईयर के शुरू में थी 4 लाख की, अब आकर 2,50,000 की हो गई है क्लोजिंग में। ध्यान रखिए क्लोजिंग पर कितने की हो गई है, 2.5 लाख की। ठीक है, यानी आपने इन्वेस्टमेंट्स बेच दी, कितने की बेची है, 1,50,000, इन दोनों का डिफरेंस जो है। ठीक है, अब बेचा है तो ऐड करो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, थोड़ा इसे ऐसे लिख लेते हैं, 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 10% लॉन्ग टर्म, मैंने ऐसे लिखना चाहिए था, थोड़ा पे इन्वेस्टमेंट पहले लिख दिया। चलिए 1,50,000 ये ऐड कर लिया, ऊपर वाली चीज को जो ये था लैंड, इसे मैं माइनस में दिखा देता हूं। इसके बाद आते हैं प्लांट एंड मशीनरी, इसे 2 मिनट बाद में करें। गुडविल की बात करें, गुडविल शुरू में 15,000 था, अब आकर 80,000 का, यानी गुडविल हमने परचेज किया होगा। देखो परचेज किया है गुडविल, तो पैसा गया होगा, ब्रैकेट में माइनस में डालो इसे, परचेज ऑफ गुडविल। ठीक है, परचेज ऑफ गुडविल कितना हो गया जी, 80 में से ये 70, 65, यानी 65,000, और इसे भी नेगेटिव में डालो, परचेज किया है तो पैसा गया है। ठीक है, अब आते हैं हम प्लांट एंड मशीनरी पर। प्लांट एंड मशीनरी वाली इस चीज को समझने के लिए हम प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना लें, तो आइए एक काम करते हैं, हम यहां नीचे ही बना लेते हैं क्योंकि ज्यादा चीजें तो है नहीं, यहां बना लेते हैं इस अकाउंट को। ये लीजिए जी, ये लीजिए, यहां बना लेते हैं, इतना तो हो ही गया, ये फॉर्मेट तो है ही हमारे पास, इसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट हो गया, ये प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट हो गया, ये इसका डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया, ये अमाउंट कॉलम हो गया, पर्टिकुलर आ गया। ठीक है, चलिए जी, तो हमारे पास इन्होंने क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी का, ये
नेट वैल्यूज है, क्योंकि डेप्रिशन अलग से बता नहीं रखी कि इनकी डेप्रिशन अलग कितनी है, तो ये हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो यूज करते थे उस तरीके से हम लिख रहे हैं इसे, ठीक है। तो आइए हम ओपनिंग बैलेंस लिखें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग भी लिख लेते हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन। इन्होंने बुक्स में दे रखे हैं 2 लाख से 3 लाख हो गया, ये 2 लाख था ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग है जी 3 लाख रुपीज, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देखें जो इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है क्या कहा है, सुनिए ध्यान से। कहता है मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, जिसकी कॉस्ट थी 40,000, डेप्रिसिएशन 12,000 की लग चुकी थी, यानी कि 40,000 की चीज थी, 12,000 डेप्रिसिएशन लग चुकी है, तो इसकी आज वैल्यू कितनी है 28,000 की इसकी आज की वैल्यू है, आज की वैल्यू है। उस चीज को हमने सेल कितने में कर दिया, हमने सेल कर दिया है इसे 35,000 में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, 28,000 की चीज को आप 35,000 में बेच रहे हैं, तो आपको कितना फायदा हो गया, 7,000 का फायदा हुआ ना। तो ये 7,000 का जो फायदा है ये क्या है, गेन है हमारा जो, ठीक है। आइए ये गेन आ गया 7,000 का, तो अब इसे लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। एक चीज और मुझे बतानी है, ये जो 28,000 आ रहा है ना, ये इसके अंदर शामिल है, ये 2 लाख के अंदर, क्योंकि इस ये वैल्यू भी 2 लाख भी क्या है, आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू है, और ये 28 भी क्या है, आफ्टर डेप्रिसिएशन है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट तो ये थी, ये कॉस्ट थी, ये डेप्रिसिएशन थी, ठीक है। डेप्रिसिएशन माइनस हुई तो अब जो नेट वैल्यू आ गई, तो ये भी नेट वैल्यू है 2 लाख में, और 28,000 इंक्लूडिंग है। अब ये बिक रहा है, जब बेच रहे हैं आप इसको तो एंट्री क्या कर रहे होंगे आप, मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में भी बताया कभी एंट्री करके, जब प्लांट एंड मशीनरी को बेचेंगे तो एंट्री क्या होगी जी, कैश टू से, सॉरी कैश टू प्लांट एंड मशीनरी, सेल नहीं, सेल बोल दिया गलती से मैंने, हाँ 35 में बेच रहे हैं आप, इसकी वैल्यू कितनी 28, तो बाकी क्या हो गया गेन टू, गेन गेन कितना आ गया 7,000 का आ गया। चलिए इसे लिखे, तो हमारे पास क्या हुआ है ध्यान से देखिए, प्लांट एंड मशीनरी, ध्यान से देखो प्लांट एंड मशीनरी हमारा क्या हुआ है, कितने से क्रेडिट हुआ है 28 से, और कैश कितना आया है 35,000, सारा प्लांट से आया है। जब कैश आ गया हमारे पास तो हम इसे लिखते किस तरीके से, सुनिए ध्यान से, यहां हम लिखते हैं बाय कैश अकाउंट, ठीक है। और ये क्या है, सेल ऑफ प्लांट, ठीक है। कितने में, हमने 35 में सेल किया, सर हमने तो 28 वाली चीज बेची है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे यहां पर 28 ही लिखना चाहिए था, बट मैं क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लिखा तो मुझे यहां से हटाना है, एक्स्ट्रा को हटाना है जो गेन हुआ है, तो जो गेन को हटाने के लिए क्या काम कर सकते हैं, मैंने क्रेडिट में लिखा है, अब क्रेडिट में से 7,000 हटाने हैं, या तो यहां माइनस करो या डेबिट में लिख दो, यहां लिख दो टू गेन ऑन सेल, कितना आ गया जी 7,000 रुपीज, ठीक है। यानी अब 28,000 ही हटे यहां से, ठीक है। तो एक तो गेन ऑन सेल आ गया, उसके बाद एक चीज और भी बताइए, उन्होंने कहा है कि इस साल जो डेप्रिसिएशन लगी है वो कितनी लगी है, वो लगी है 60,000 की इस साल के दौरान, बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगी है तो प्लांट एंड मशीनरी पर ही लगी होगी ना 60,000 की। तो देखिए हमारे पास, अब देखिए अगर दोनों साइड को मैच करना चाहें तो कौन सा साइड ज्यादा है, देखिए जरा मेरे हिसाब से ये क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कितना बन रहा है 3,95,000 बन रहा है मेरे हिसाब से, तो आप भी चेक कर लेना 3,95,000, और इधर भी 3,95,000 लाना है, तो हम क्या दिखाएंगे, हम बैलेंसिंग फिगर दिखाएंगे एक, और वो क्या रहेगा कैश, कैश यानी हमने और मशीनरी परचेज की है, ठीक है। परचेज्ड, ये परचेज्ड प्लांट, आपने एक प्लांट परचेज किया होगा, और ये बैलेंसिंग फिगर दिखाते हैं आप इसको, ठीक है। कितना आएगा जरा 3,95,000 में से जरा 2,07,000 माइनस करो, कितना आएगा 1,88,000, ठीक है। 1,88,000 हमारे पास क्या आ गया, ये हमने परचेज किया है, तो ये जो परचेज किया आपने, ये वाला पार्ट, ये जो परचेज किया है और ये सेल किया है, ये तो हमारे यहां पर दिखेगा, कहां पर जी इन्वेस्टिंग में, ये डेप्रिसिएशन जो है या फिर ये जो गेन है, ये दोनों कहां जाएंगे, ये दोनों जाएंगे गेन और दूसरा डेप्रिसिएशन, ये जाएंगे ऑपरेटिंग में, ठीक है। और ये हमारे जाएंगे, तो मैं लिख भी देता हूं इन दोनों को, जो ये दोनों चीजें हैं, ये वाली दोनों, ये भी और ये भी, ये जाएंगे हमारे इन्वेस्टिंग में, और हमारे पास जो ये है, सॉरी कलर चेंज ही करते हैं, ये वाला लेते हैं, ये दो चीजें जो है
ये जानी है हमारे ऑपरेटिंग वाले में, क्योंकि वहां एडजस्टमेंट करना है। ऑपरेटिंग में इनको एडजस्ट करेंगे आप, ठीक है जी। इसे इन्वेस्टिंग में एडजस्ट करना है, ठीक है, इन दोनों को। चलिए तो इन्वेस्टिंग में जो एडजस्ट करना है उनको लिख लें। हमने बेचा है तो प्लस हुआ है, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना 35,000 आ गया, कैश आया ना 35,000 का। और जो सेल, ये तो सेल था, परचेज कितना है 188 का, तो परचेज माइनस में परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो ये हिडन इंफॉर्मेशन आपने कहां से निकाली, ये दोनों निकाले हमने वर्किंग नोट नंबर 1 से। वैसे पहले वाला तो गिवन ही था, एक्चुअल में तो हमने परचेज निकाला है, तो मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए दोनों निकाले, मैं कहता हूं हमने ये निकाला वर्किंग नोट नंबर 1 से, और ये तो हमें गिवन ही था क्वेश्चन में, ठीक है, ये गिवन था, ये निकाला। तो ये कितना अमाउंट आ गया, 1,88,000 आया है, और पैसा गया है तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं माइनस में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आइए जरा बताइए मुझे, इसका टोटल करके बताइए, ये नेगेटिव ही आ रहा है मेरे ख्याल से, तो यूज कैश यूज्ड ही होगा, एक बार टोटल करके बता दो कितना आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज और रह गई, सॉरी सॉरी, मुझे याद आया हमने एक चीज नहीं कंसिडर की, वो क्या है सुनिए ध्यान से, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट बता रखा था उन्होंने हमारे जो थे इन्वेस्टमेंट, यहां देखिए ये ना 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स थे, यानी कि इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया इस इन्वेस्टमेंट का कितना है 10%। अब दूसरा डाउट आता है, पहले तो रेट की बात हो गई, दूसरा आता है सर ये जो इंटरेस्ट मिलेगा इन्वेस्टमेंट पर वो ओपनिंग वैल्यू पे ले या क्लोजिंग पर, यानी जो सेल हुई है कब हुई है, सेल बिगिनिंग में हुई है या एंड में हुई है। तो दोनों ही मान सकते हैं, क्यों मान सकते हैं दोनों, की क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा कि जो सेल हुई है कब हुई है, तो बिगिनिंग में मानो या एंड में मानो, आपके ऊपर है, दोनों में से कोई भी मान सकते हैं, जो भी मानो उसका नोट दे देना। तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट्स जो बिकी है ना वो बिकी है जी कब, बिगिनिंग में। बिगिनिंग में बिक गई तो आप इंटरेस्ट कितने पर देंगे, 2.5 लाख पर देंगे, और आप मानते हैं, सॉरी आपको 2.5 लाख पर इंटरेस्ट मिलेगा, और आप ये मानते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं हमने वो एट द एंड ऑफ ईयर बेची हैं, तो पूरे 4 लाख पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप बताइए कैसा करें, ठीक है। मैं अगर एक बात कहूं तो सुनिए ध्यान से, इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है इस चीज को, अगर क्वेश्चन में देखें आप तो एक नोट दिया हुआ है, पहला नोट एक बार रीड भी कर लेते हैं। इट इज एज्यूम्ड दैट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड ऑन 31 मार्च 2015, यानी ये क्वेश्चन एज्यूम कर रहा है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं 31 मार्च 2015, यानी एट द एंड ऑफ ईयर बेची हैं। तो आप भी अगर कहना चाहें कि सर हम ये एजम्पशन ले रहे हैं तो आप ऐसा नोट डालो, आप अगर ये कहें कि नहीं मैं तो बिगिनिंग में बेचना चाहता हूं तो आप एजम्पशन क्या लेंगे, दैट वी हैव वी आर एज्यूमिंग दैट इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर, और फिर आप इंटरेस्ट कितने पर रिसीव करेंगे, आप करेंगे 2.5 लाख पर, यानी 25,000 का इंटरेस्ट रिसीव होगा। जो क्लोजिंग पर कर रहे हैं उन्हें इंटरेस्ट कितना रिसीव हो जाएगा, 10%, यानी 4 लाख का 40,000 रिसीव होगा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन से आंसर मिलाना है तो 40,000 पर ले लो, इसके आंसर से मैच करा लेंगे। और आप कहो कि नहीं मैं तो ओपनिंग वाला एजम्पशन लेना चाहता हूं तो वो ले लो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूं, ओपनिंग पर लूं या क्लोजिंग पर, कैसे कह रहे हैं, ओपनिंग पर लूं या क्लोजिंग पर, दोनों में कोई भी गलती नहीं क्योंकि क्वेश्चन ने एक चीज बताई नहीं है, तो आप पर डिपेंड करता है। अब आपको तो बताना पड़ेगा ना, यू हैव टू टेक अ स्टैंड, आपको डिसीजन लेना है, तो क्लोजिंग पर ही ले लें, चलो ठीक है। ये बच्चे कह रहे हैं सर मैं क्लोजिंग पर ही ले लेता हूं, वैसे ओपनिंग पर लेना भी गलत नहीं है, आप कहोगे मैं वैसा कर लेता हूं, दोनों कर दूं, ठीक है मैं दोनों कर देता हूं। एक काम करो जी सुनो, मैं पहले यहां पर ये पैसा आया है प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर क्लोजिंग एज्यूम कर रहे हो, क्लोजिंग अमाउंट पर ले रहे हो तो 40,000 का है, मैं लिख देता हूं यहां पर, और अगर सॉरी क्लोजिंग पर तो 25 का होगा, तो ये ओपनिंग पर लिख लेता हूं, इसे ओपी है, ये ओपनिंग है जी, ये मैं दोबारा लिखता हूं इसे, ये ओ ओपनिंग पर है 40,000, और अगर आप क्लोजिंग पर ले रहे थे, क्लोजिंग पर इंटरेस्ट देना चाह रहे थे तो 25,000 है। ओपनिंग क्लोजिंग का मतलब क्या समझ में आया, कि जो इन्वेस्टमेंट्स बेची हैं हमने, अगर शुरुआत में बेच दी, एट द बिगिनिंग बेची, तो मैं इस चीज को भी लिखूं क्या यहां पे अलग से, मैं यहां लिख देता हूं इनको, ये लो जी 40,000 क्या एजम्पशन ले रहा है, 40,000 वाला एजम्पशन ले रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट बिकी है एट एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड सोल्ड एट एंड ऑफ ईयर, और जो ये 25,000 वाला है वो क्या एजम्पशन ले रहा है, 25,000 का इंटरेस्ट कब मिलेगा, इन्वेस्टमेंट
सोल्ड एट बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ ईयर, ठीक है, ये एजम्पशन है। तो मैं इन दोनों चीजों को हटा ही देता हूं फिर यहां से, ये लो, क्योंकि यहां फिर आप कंफ्यूज होंगे, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो दोनों में से कोई भी ले लो आप, ठीक है, जो दो लिखना चाहे, बस आंसर में टोटल में चेंज आ जाएगा। तो हम दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। लेट्स एज्यूम कि हम बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो एंड में बिकी हैं, तो आपने 40,000 का इंटरेस्ट रिसीव कर लिया, कितने का, 40,000 का। तो ये 40,000 मैंने यहां लिख लिया। अच्छा, तो 40,000 ऐड करके मुझे बताओ इसका टोटल कितना आ रहा है, रिड्यूस हो जाएगा ना प्रॉफिट, सॉरी जो इनफ्लो है हमारा, कितना है, 10,28,000, 10,00,000, एक मिनट जी, सॉरी, 10,28,000 नेगेटिव में आया है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं, हमारे पास 25,000 ले रहे होंगे, उनका ज्यादा अमाउंट आ जाएगा। 25,000 वाले बताओ, जो 25, जिन्होंने 25 से लिया है, वो कितना आ रहा है, किसने लिया है 25 से, कितना है, 10,43,000। हाँ, इंक्रीज हो जाए, मतलब ये जो लॉस है या नेगेटिव अमाउंट है ये बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लस वाली चीज घट रही है, ठीक है। वो 10,43,000 आएगा उन लोगों का, हमारा कितना आ गया, 10,28,000 आ गया। चलिए जी, तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, मैं इसका थोड़ा सा और स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ सही से, पूरा पार्ट देख पाए आप लोग। ये लीजिए, जो हमने वर्किंग नोट में बनाया था, ये प्लांट एंड मशीनरी, ये हमारा वर्किंग नोट वन है, हमारा प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाया, ठीक है, और ऊपर कैश फ्लो है, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।